नमस्कार, आपके बाद छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। 30 बिंदुओं वाले इस घोषणा पत्र में महिलाओं पर खास तरीके से फोकस किया गया। वहीं पर बीजेपी से पुराने घोषणा पत्र का ही रिपीटेशन करार दे रही है। साथ ही 2018 में किए गए वादों पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने तो कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ वो चार्जशीट लाएगी, तो कांग्रेस को सरकार की उपलब्धियों और नीतियों पर पूरा भरोसा है। इसके बूते वो निकाय चुनाव में जीत का दावा भी कर रही है। तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया। मोहन मरकाम ने क्या कहा इस घोषणा पत्र के बाबत, सुनवाते हैं आपको। पहले हमें उम्मीद है आज के जो जन घोषणा पत्र के 30 बिंदु हैं, 30 बिंदुओं को वहां की जनता सर आंखों पर बिठाएगी और हमें अधिकतर सीटों में हमें जीत मिलेगा। क्योंकि हमने पिछले बार के चुनाव में भी जो 10 नगर निगम थे, 10 नगर निगमों में भी हमें जीत मिली थी। उस मिथक को भी हमने तोड़ा था जो शहरों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव होता है, दबदबा होता है, मगर उस 10 नगर निगमों में हमें जीत मिली थी। इस बार भी अधिकतर नगर निगमों और नगर पालिका नगर पंचायतों में जीत मिलेगी, क्योंकि हमारी सरकार, हमारा संगठन जो बातें कहती उस वादों को पूरा करते हैं और हमें हमारी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये जो जन घोषणा पत्र में जो बातें आई है उन बातों को हम पूरा करेंगे। तो सुना आपने मोहन मरकाम को, कह रहे हैं कि अब सरकार की नीतियों को लेकर, उपलब्धियों को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी। लेकिन उनके इस बात से बीजेपी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह क्या कहते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जो कोई पूर्व मंत्री थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। घोषणा पत्र कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा है। जो घोषणा पत्र चुनाव में जन घोषणा पत्र जारी किया था उसी बिंदुओं को रिपीट किया गया है, जबकि उसके किसी बिंदु पे कोई काम नहीं हुआ है। न पट्टा मिला लोगों को, न आवास मिला, न शहर का विकास हुआ। कहा 300 करोड़ का बजट हुआ करता था, हमारी जब सरकार बनी 4000 करोड़ तक बजट पहुंचा दिया था। अब 500 करोड़ के बजट में आके फिर से रुक गया। पूरे नगरीय निकाय के काम सारे ठप है, विकास के डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं। ये जो घोषणा पत्र है विशुद्ध रूप से जनता को भ्रम में डालने वाला है, जैसे 3 साल पहले डाला था। इस घोषणा पत्र पे कोई विश्वास नहीं करने वाला है, क्योंकि 3 साल में पिछले घोषणा पत्र के आधार पर इन्होंने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, वो आज तक नहीं दिया। इन्होंने शराबबंदी की बात की थी, वो आज तक नहीं दिया। इन्होंने सामुदायिक भवन बनाने की बात की थी, वो आज तक नहीं किया। इसलिए इस पे कोई विश्वास करने वाला नहीं। आपका घोषणा पत्र कब तक आ जाएगा, कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे? हम इनके ऊपर में चार्जशीट लाएंगे कि कांग्रेस ने नगर निगम के पिछले चुनाव के 2019 के घोषणा पत्र में क्या कहा था, साथ में इन्होंने विधानसभा चुनाव में क्या कहा था और इन्होंने कुछ नहीं किया। हम इनके खिलाफ में चार्जशीट लाएंगे। तो बृजमोहन अग्रवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ यहां पर चार्जशीट लाएंगे। लेकिन सवाल हमारा है, ज्वलंत सवाल है यह, सवाल अभी टीवी स्क्रीन पर, कि शहर सरकार में वादों की बौछार कांग्रेस ने खोला अपना पिटारा, क्या निकला पिटारे? अब तक अधूरा पुराना वादा बीजेपी ने बताया झूठ का पुलिंदा। क्यों ऐसा, क्या हकीकत क्या है इसकी? कांग्रेस के घोषणा पत्र की लंबी शीट बीजेपी लेकर आ रही है चार्जशीट, वाकई लेकर आएगी? छत्तीसगढ़ में वादों की भरमार, निकाय चुनाव पर आर पार, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। तो निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से अब दम भरा गया, जिस तरीके से ताल ठोकी जा रही है और लगातार यहां पर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, इसी बीच में घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी कर दिया। नरेश चंद गुप्ता हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं, नितिन भंसाली कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत सर दोनों ही मेहमानों का, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नितिन भंसाली जी, सर घोषणा पत्र जारी हो गया और घोषणा पत्र के खिलाफ बीजेपी काफी नाराज नजर आ रही है, लेकिन आपका पूरा भरोसा है कि उपलब्धि जो सरकार की है, जो सरकार की नीति है, उसे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जीत हासिल करेंगे? कांग्रेस का आज जारी घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी, ये आप देख लीजिएगा। 3 वर्ष विधानसभा चुनाव को हो चुके हैं, इन 3 वर्षों में नगरीय निकाय के चुनाव भी हुए, विधानसभा के उपचुनाव भी हुए। देखिए, लगातार कांग्रेस को सफलताएं हासिल हुई हैं। कहा जाता है ये लोगों द्वारा या भाजपा के लोगों द्वारा ये प्रचारित किया जाता है कि शहरी क्षेत्रों में तो भाजपा का दबदबा है,
तो पिछले नगरीय निकाय चुनाव जो अभी हुए हाल में एक डेढ़ साल पहले, उसमें 10 नगर निगमों में कांग्रेस ने कब्जा बनाया और अब जो 15 निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे भी बेहतर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा वो किया। मैं आपके डिबेट शुरू होने से पहले की स्टोरी देख रहा था कि कुछ नहीं किया। मुझे तो ये हंसी आती है कि इनके केंद्रीय मंत्रालय, इनके केंद्रीय मंत्री खुद छत्तीसगढ़ की योजनाओं की, छत्तीसगढ़ के कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी बुलाकर स्वच्छता के नाम से पूरे देश में छत्तीसगढ़ को अव्वल मानते हुए पुरस्कार दे रहे हैं। तो ये भी तो आखिर छत्तीसगढ़ के वासी हैं, खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अब जिन लोगों के पास मुद्दे नहीं है, देखिए हमने तो घोषणा पत्र जारी कर दिया, ये तो घोषणा पत्र जारी करने में भी अभी विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, जमीन में इनके पास कोई नहीं है। जहां जहां चुनाव लड़ रहे वहां वहां गुटबाजी हावी है, इन्हीं के कार्यकर्ता इनको साथ नहीं दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा था कि हमने 46 लाख सदस्य बनाए हैं भाजपा के और वोट मिलते हैं 34 लाख, तो खुद इनके लोग इनके साथ नहीं है और बुरी तरीके से पिटे हुए मोहरे हैं। और यहां पर प्रदेश में कहा जाए, जिन लोगों की मैं बाइट देख रहा था, प्रदेश में कोई भी नेता इस चुनाव की सीधी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसलिए बहन पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के नेता आके ब्लॉक ब्लॉक में जाकर मीटिंगें ले रहे हैं। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से घबराई हुई है और प्रदेश में उनके पास कोई नेता नहीं है, साथ ही कोई मुद्दा नहीं है। हम लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर 15 के 15 निकायों में एक शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। ठीक है, नरेश चंद जी जुड़े हुए हैं। नरेश चंद जी, क्या कहना है सर आपका इस पूरे मसले पर? आपने कहा कि 30 बिंदु जरूर लेकर आए, लेकिन घोषणा पत्र में जो पिछली बार जो वादे किए गए थे सारे वादे पूरे नहीं किए कांग्रेस ने, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है, उन्होंने कहा जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अल्टीमेटली झूठ का पुलिंदा है, इनका सारा कुछ झूठ के आडंबर पे टिका हुआ है। पिक एंड चूज पे बात करने वाली राजनीति। देखिए, अभी भाई नितिन ने एग्जाम्पल दिया 2013 के विधानसभा से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव तक, लेकिन उस बीच में एक बहुत बड़ा अहम चुनाव हुआ था जो राष्ट्रीय नेतृत्व की स्वीकृति को लेकर चुनाव, उसके संबंध में नितिन जी ने नहीं कहा, स्किप कर गए उसको, इंटेंशन से स्किप कर गए, झूठ बोलने की नियत से स्किप कर गए, वो झूठ बोलने की नियत से। वो उसमें इनकी क्या स्थिति थी, 11 में से सिर्फ 2 सीट मिले, 11 में से 2 सीट मिले लोकसभा में, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को इस प्रदेश की जनता ने सिरे से खारिज किया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व को प्रदेश की जनता ने, देश के साथ साथ प्रदेश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया कि उन्होंने ये माना कि देश में ये शासन करने लायक राजनीतिक दल नहीं है, नेतृत्व नहीं है, इसलिए इनको 11 में से सिर्फ 2 सीट दिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी। ये तो अभी जिस परिदृश्य में ये बात कर रहे थे उसकी बात। अब सर निकाय चुनाव की बाबत बात कर लें, जरा निकाय चुनाव के मद्देनजर बात कर लें। नहीं, ये तो जिस रेफरेंस में उन्होंने बात किया उसका जवाब दिया, मोदी जी तक पहुंच जाते, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो, ये ना आप नितिन जी आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, या ये परंपरा हो जाए कि एक दूसरे को बोलने नहीं दे तो वो परंपरा का पालन। नहीं नहीं सर, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। देखिए जो करिए नरेश भैया, आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, कांग्रेस ने जो स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर जो घोषणा पत्र जारी की है ना, वो जन घोषणा पत्र का ही कॉपी है, जिसपे ये क्या क्या लिखे थे, 2500 रुपया महीना देंगे, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ते का कोई पता नहीं। उस समय इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग बोला करते थे यहाँ 50 लाख बेरोजगार हैं, आज कहाँ है 50 लाख का इन्होंने डाटा बनाया, 10 लाख लिखते कुछ है, बोलते कुछ है राष्ट्रीय नेतृत्व। राहुल गांधी जी भाषणों में 50 लाख का फिगर देते थे। सर उस समय नितिन जी को नहीं मालूम होगा कि राहुल जी क्या बोल रहे थे, ये उस समय उसको क्रिटिसाइज ही किया करते थे, उस समय की बात तो वो बोल नहीं पाएंगे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बोले कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, बिजली बिल किस बात का हाफ, बिजली बिल हाफ नहीं है, उससे भी पैरामीटर लगा दिया। अब इन्होंने कहा कि संपत्ति कर माफ कहाँ है, ये देखिए पूरे शहर में मच्छर, शराब, ये मतलब इन्होंने कहा शराबबंदी लगा देंगे, कहाँ शराबबंदी, शराबबंदी तो क्या शराब की नदियां बहा दी, अवैध शराबों का आडंबर आबाद लगा दिया और बड़े बड़े जगहों में लोग जाकर गुंडागर्दी और मारपीट करते हैं जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी कोई नहीं, ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है,
उस पर भी सरकार मौन। तो ये जो है जन विरोधी सरकार हो गई साहब पूरे प्रदेश में। अब किसानों को सरकार मौन है लेकिन विपक्ष को तो मुखर होना चाहिए इस पूरे मसले पर। अगर ये सारे मसले हैं तो विपक्ष को मुखर होना चाहिए और निकाय चुनाव में आप लेकर जाइए अगर ऐसा कुछ है तो। बता रहे ना धान खरीदी के इन्होंने दलाली चालू कर दी साहब। एक महीने डिले, एक दिसंबर से धान खरीद करके जरूरतमंद किसानों को कहा आप कोचियों और राइस मिलर्स के सामने जाकर 1000 और 1100 रुपए में धान बेचो। ये कोचियों और राइस मिलर्स की सरकार हो गई। देखिए मतलब धान यहाँ पर अक्टूबर एंड से लेकर नवंबर फर्स्ट वीक तक आ जाता है यहाँ पर, और उस धान को ये 1 दिसंबर से खरीद रहे हैं जब पानी भी गिर गया। और स्थिति ये थी कि इस 1 दिसंबर से धान खरीदने में कितने लाख मैट्रिक टन धान लोगों ने, किसानों ने अपने जमीन का पैदावार एक एक बोर का धान दलालों के मार्फत राइस मिलर्स को बेचे या राइस मिलर से कमीशन मिलता है। और दूसरी बात इस चीज को डिटेन करने के लिए अब इन्होंने कहा एक एक दाना धान खरीदेंगे, एक एक दाना में 15 क्विंटल फिक्स कर दिया। देखो बेईमानी की यह बता रहा हूँ। और इन्होंने कहा कि हम आपको एक एक दाना तो धान खरीद, लेकिन एक मसले पर तो तारीफ आपको करनी पड़ सकती है। यहाँ पर भाई राष्ट्रपति खुद बुलाकर सूबे के मुख्यमंत्री को, सूबे के मुखिया को पुरस्कृत कर रहे हैं स्वच्छता के लिए। यस देखिए हाँ, आज कोई दूसरी वो गलत कर रहे हैं। ये कब से मिल रहा है? ये तीसरे साल मिल रहा है ना। तो ये तीसरे साल में तो ये दिसंबर 2018 में किसका काम था? डॉक्टर रमन सिंह ये तो एक महीने में नहीं अवार्ड लेने सकते होंगे ना। वो तो ये डाटा भी नहीं भेजे थे। अच्छा उसके लिए भी आप ठीक है, चलिए इसका जवाब। और सिस्टम हमने डेवलप करके दिया था उसका अवार्ड ले रहे हैं। नितिन भंसाली जी कुछ कहना चाहते हैं? भूपेश बघेल जी मैं बर्दाश्त नहीं कर, मैं चार्जशीट वाले मसले पर भी आऊंगा ठीक है। ये सहन शक्ति से बाहर लगाते हैं कि भेदभाव करते हैं। और यदि हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तब तो आपके कार्यों की पंडित जिसको केंद्र सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है, और फिर आप बोलोगे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। अरे दोनों नहीं बात हो सकती नितिन बाबू, एक ही बात होगी, या तो आपकी बात सही है या केंद्र सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है वो सही है। नितिन भंसाली जी नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे क्या नगरीय निकाय के चुनाव प्रचार में? देखिए वो तो किसे लाना है हम तय करें। जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा है भाजपा के, प्रदेश में नेता नहीं है, तो आप लोग मोदी जी को भी ले आइए, लगा लीजिए दम। न्यूज 24 के चैनल में मैं ये चैलेंज करता हूँ कि 23 नवंबर के नतीजों के दिन हमें 8:30 बजे बुला लेना। 15 में 15 चुनाव, 15 में 15 निकाय हम जीतेंगे। कैसे पकड़ा है बनारस? झूठ बोलता कौन है? अरे नरेश भैया जग जाहिर हो गया है। आप लोग संकल्प पत्र की बात करते थे, 2003 का संकल्प पत्र ही गिना दूं आपको। 500 रुपए बेरोजगार, नरेश जी भी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, आदिवासी को ये सारी बातें कहते हुए नरेश जी भी मुस्कुरा रहे हैं, किसानों का धान, केंद्रीय नेतृत्व के मसले पर मुस्कुराए। ये सब किया क्या? नहीं किया इसने तो विपक्ष में। प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें क्या हुआ? कैसे झूठ की पोल खुली? झूठ की पोल कैसे खुली बनारस के मीडिया में? अरे वो गोदी मीडिया है भाई साहब, हमारा गोदी मीडिया है, कांग्रेस जो है कांग्रेस। नहीं सर निगम चुनाव कराइए, मीडिया पे बहस करने की जरूरत नहीं। आप लोग निगम चुनाव कराइए ना, चलती है टेलीविजन से नहीं। वो बार बार बोल रहा हूँ कांग्रेस विजन से चलती है, टेलीविजन से नहीं। आप लोग टेलीविजन से चलते होंगे भाइयों बहनों ये सब। सर आप लोग पत्रकारों पे चर्चा करने लगे और हर बार चुनाव में अलग अलग तरीके के बहुरूपियों टाइप के रूप बदल कर जनता के बीच आकर जुमला करना, ये आप लोगों की हकीकत है। कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को? गरीब को हटाने के इंतजाम कर दिया था आपने तो। अच्छा नरेश जी एक चीज और समझाइए सर, यहाँ पर डी पुरंदेश्वरी आ रही है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से एक आरोप लग रहा है यहाँ पर साफ तौर पर कि शासन करके 15 भी नहीं 14 सीटों में रह गए आप लोग। सुनिए ना 14 तो आपके आपके कर्म कांडों से हुआ है, 15 तो आ चुके थे। आप उस पर मुंह ना खुलाए, आप हमारा उस पर मुंह ना खुलाए। आप कर्म कांड की बात ना करें तो बेहतर है। आप 14 का 15 का 14 क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? और अच्छा नरेश जी चेहरे पे शिकंज नहीं थी ये बता देता। वो चार्जशीट वाली क्या बात थी? ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो कह रहे थे चार्जशीट वाला मसला क्या था? आप डाइवर्ट ना करें डिस्कशन। अरे कुछ सीट ही नहीं है इनके पास, कोई सीट ही नहीं है, क्या चार्जशीट लाएंगे? सीट ही नहीं है इनके पास। तुम्हारे राहुल गांधी को तो लोकसभा में नहीं है ना,
राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को राष्ट्रीय नेतृत्व पे आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने बोला आप सभी तो हमारी कही गई सारी बातें सत्य हो रही है और आप लोग बैकफुट सूबे के नेतृत्व पे बात नहीं कर रहे हैं आप लोग सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व पे बात हो रही है यहाँ पर निकाय चुनाव का कद अब ये है ये हम मानकर चले एम्स का रिजल्ट देख लो एक शेर याद आ रहा है अभी तो सबसे ज्यादा चलिए सर सुना डालिए इनके ऊपर एक शेर याद आ रहा है एम्स किसने डेवलप किया इनको थोड़ा सा अगर चुप हो तो एक शेर सुना दूं थोड़ा माहौल हल्का हो जाएगा ये काफी उत्तेजित हो सर माहौल शुरू से हल्का ही बना हुआ है अभी नहीं नहीं मैं आपको हल्का कर दूंगा साहब आप तो राजनीतिक दायरे से कहीं से और कहीं आए हो ना तो वो आप वहां की चीजों को चर्चा करते हो आज से दो महीने चार महीने पहले जो क्रिटिसिज्म की स्टाइल थी वो क्रिटिसिज्म की स्टाइल बदल कैसे गई एकदम से आज से एकाएक क्रिटिसिज्म की स्टाइल कैसे बदल गई नरेश भैया अच्छी ट्रेनिंग लिया आपने भी साबित हो रहा है ये तो मैं तो सोचता था आप थोड़े से दूसरों से अलग हैं आप भी वैसे ही निकले अच्छा मैं सोचता था शायद आप अलग हैं लेकिन आप भी वैसे ही निकले वैसे कैसे निकले पढ़े लिखे व्यक्ति है मैं तो ये सोचता था कि आप उनसे तो बेहतर हैं आप झूठ पे झूठ बोलेंगे और हम उसमें हाँ में हाँ मिलाए तो सब ठीक है हम जनता नहीं है अब पक्ष में बैठे हैं आपके सवालों का आपके आरोपों का जवाब देने बैठे ना चले तो वो गोदी मीडिया और आपने इसका कन्फेस किया कि गोदी मीडिया जो हमारे है वो गोदी मीडिया है मैं न्यूज 24 को थोड़ी कह रहा हूँ ऐसे बहुत से चैनल्स हैं ऐसी बहुत सी मीडिया है सर डिस्कशन बदल रहा है आप मुद्दे पर रहिए ठीक है मुद्दे पर रहिए क्योंकि इनके पास नितिन जी बोल दिया लेकिन सीटी नहीं नितिन जी एक वो शेर का जिक्र कर रहे थे आप एक शेर सुना दीजिए फिर मुद्दे पर बात करते थे आपका 9-11 में समय पूरा निकल जाएगा आप जनता कुछ नहीं समझ पाएगी हमारे दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे एक बार शेर से फिर से हम कह सकते हैं शुरुआत करिए हाँ शेर सुना दीजिए मुंह में बद इंतजामी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं सीधी सी बात है कि इस तरीके से जनता ने इन्हें 15 सालों में शासन करने के बाद रिजेक्ट किया है कि मुद्दे ही नहीं बचे इनके पास मुद्दे ही नहीं है अबे नगरी निकाय चुनाव में घोषणा पत्र सॉरी संकल्प पत्र की बात करते हैं ये संकल्प पत्र क्यों जारी नहीं कर रहे भिलाई में अलग लड़ाई है बिरगांव में अलग लड़ाई है भिलाई में एक बहन हमारी कुर्सी पटक के बोल रही है मेरा टिकट कहाँ है वहां पर भिलाई का एक प्रत्याशी नामांकन करने के बाद हम वापस लेने का बोलता है मुझे भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है बिरगांव में जो महापौर का प्रत्याशी है उसकी टिकट काट दी तो खुद के लोग इनके साथ तो ये तो देखिए अभी ब्रिजमोहन जी ने कहा चार सीट फाइल करेंगे सीट ही नहीं बची है इनके पास चार सीट फाइल करेंगे ठीक है नरेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए अच्छा सर एक सवाल का जवाब दीजिए डी पुरंदेश्वरी जा रही हैं हर जगह मीटिंग कर रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस साफ तौर पर निशाना साध रही कि स्थानीय जो आपके बड़े नेता हैं उन पर क्या केंद्रीय नेतृत्व को अब भरोसा नहीं रह गया ये एक सवाल कांग्रेस की ओर से उठाया जाए सर इसका जवाब दीजिए जरा सुनिए ना कांग्रेस को इस बात का दर्द हो रहा है हाँ। कि अब यहाँ पर बीजेपी हर लड़ाई को बहुत सीरियसली लड़ रही है इस बात से वो घबरा गए हैं बेचैन हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी इज हाइपर अलर्ट घोषणा पत्र तो कांग्रेस ने जारी कर दिया पहले तो इनके मन में दहशत आ गया है भारतीय जनता पार्टी के सघन चुनाव प्रचार से दहशत में आ गए डर गए हैं देखिए साहब ये आज जो घोषणा करते हैं हम शराब नहीं बेचेंगे शराब नहीं बंटवाएंगे और जो शराब बेचते हुए पकड़ाया जाएगा बांटते हुए पकड़ा जाएगा उसको सुटाई करेंगे उसको तुरंत जेल भेजेंगे उसको कोई बचाएगा नहीं सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी और उनके नेता घोषणा नहीं करते हैं ये शराब बांटने का काम करेंगे वहां पर खरीद फरोख का काम करेंगे ये साहब बाय हुक एंड कौन बोल रहा है शराब बांटने का काम करेगा हमने तो नहीं कहा अरे आप बोलो ना देखिए ये होते हैं बिना मुद्दों के अजय जी ने कहा शराब का नाम ही नहीं लिया उसको छोड़ना मत उसका भी क्रिटिसिज्म यदि कोई चुनाव में शराब अरे तो उसके लिए आपकारी विभाग है ना शिकायत करिए आप गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं हमें हम ये सब नहीं जानते अच्छा नियम कानून कायदे पे चलते हो आप लोग ये नया नहीं तो बीजेपी गांधी जी के सिद्धांतों पर नहीं चलती है क्या नितिन बंसाली बीजेपी क्या गांधी जी के सिद्धांतों पर नहीं चलती है नरेश चंद जी एडवोकेट है देश में कानून और संविधान से बड़ा कुछ क्या आप गांधी के विचारों पर नहीं चलते हैं सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं
नितिन मंजाली बातों से तो लग रहा है सर कि विचारों और सिद्धांतों पर पूर्णतः चलते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि कोई गोडसे के विचारों से बात के चल दे और हम वो दलाल अधिकारी जो इनके दलाली के लिए काम करते हैं उनका फोन लगाते रहे, वो आए ना और आए तो जो हकीकत है उससे विपरीत बयान लोड करके चल दे और जो जो पकड़ा है उसका बयान नहीं लेंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ इनकी सरकार की बेईमानी की। साहब पाठ्य पुस्तक निगम की छपाई का न्यूज आप सारे लोगों ने साहब को बताया, पेपर कहाँ मिला जिसको टेंडर अलॉटेड नहीं था, अब उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? जो आदमी शिकायत करने जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई, वो जांच बैठा दी, आज 6 महीने हो गया, जांच का क्या हुआ भाई? उसके हाथ कागज कैसे गया उसका बस पता लगा जी, बात भ्रष्टाचार पे जा रही है। इस डिबेट को आप 1 घंटा कर दीजिए, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, चूंकि बात भ्रष्टाचार पे तो कई घंटे की डिबेट हो जाएगी। नहीं नहीं मैं तो आपके आबकारी नहीं नहीं घंटे क्या पूरा दिन निकल जाएगा इन 15 सालों के करप्शन गिनाऊंगा। चाहे धान की बात हो, चाहे नान की बात हो, चाहे नारियों के सम्मान की बात हो, कि चाहे इस प्रदेश के विकास की बात हो, नितिन मंजाली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 30 बिंदुओं में से कम से कम 4-5 बिंदुओं का यहाँ पर जिक्र कर दीजिए जिस पर आप बातचीत करने वाले हैं और जनता के बीच में जाने वाले हैं। जो उपलब्धियां हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किया भी जा रहा है लगातार, मोहन मरकाम साहब ने कहा कि उपलब्धियां हम लेकर जाएंगे जो सरकार की हैं, उनमें से 4-5 उपलब्धियों का जिक्र यहां पर कर दीजिए और उस पर मैं चाहूंगा कि नरेश चंद जी उसको अगर काट सके अपने बातों से, अपने तर्क से। नौकरी में रखना, संविदा की नौकरी में रखना, जिसको बात है। आता हूँ सर, नरेश जी आता हूँ। पहले हमने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था किसानों का धान हम 2500 में खरीदेंगे, नरेश जी आ रहा हूँ, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्रियां जो बंद की हुई थी बीजेपी ने उसे शुरू करेंगे, इस प्रकार के 36 में से 24 वादे हम लोगों ने पूर्ण किए। और इनके जो राष्ट्रीय नेता आते हैं, राष्ट्रीय नेत्री बहन पुरंदेश्वरी, इन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का नेता थूकेगा तो पूरी कांग्रेस यूं बह जाएगी। मैं तो 13 नवंबर का इंतजार कर रहा हूं नरेश गुप्ता जी, कि जिस दिन ये इन्होंने जो बयान कहा था कि थूकेगा और बह जाएगा, तो कौन बहेगा और कौन फ्लाइट की टिकट से या लोकल ट्रेन की टिकट से यहां से आपके केंद्रीय नेता जाएंगे, मुझे तो उस दिन की प्रतीक्षा है। कांग्रेस 3 साल के अपने जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर आम जनता के बीच है और जनता का आशीर्वाद और स्नेह कांग्रेस के साथ है। नरेश जी, नरेश जी, पत्र जारी हुआ है, बीजेपी का घोषणा पत्र कब आएगा सर और क्या है मसले रह सकते इन वादों को पूरा करने के लिए? नरेश जी आपकी आवाज आनी बंद हो गई है, जो वाटर मिशन का काम चल रहा था उसमें। नरेश जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, आपकी आवाज कुछ देर के लिए नहीं आई थी, आपकी आवाज पर ब्रेक लग गया था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कब घोषणा पत्र बीजेपी का जारी होगा और क्या अहम मसले हो सकते हैं सर? देखिए वो तो घोषणा पत्र जारी होने के बाद पता चलेगा अहम घोषणा पत्र क्या है। हाँ। वो तो घोषणा पत्र के साथ ही जारी होगा और शीघ्र जारी हो जाएगा, चिंता ना करें जी। हम ऐसे भ्रष्ट लोगों को इनका ईट से ईट, ताल से ताल बजा देंगे, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान लोगों को। देखो तो मीडिया के सामने झूठ बोलते पकड़ा गया ना, अब खोदी मीडिया हो गई। अरे मीडिया इनका बोलते हुए हम तो नहीं चलाए ना, बोलते हुए वो वर्षन तो नहीं है किसी का, वो वर्षन तो मेरा और आपका रिकॉर्ड किया हो नहीं है अभिषेक जी। आप 2 लाइन चला दो आप गोदी मीडिया हो जाओगे जो इनके माफिक ना हो। तो ये झूठ बोलने वाले राजनीतिक दल है, मीडिया तो निष्पक्ष होना चाहिए, कुछ मीडिया तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या काम हुआ साहब रायपुर नगर निगम में, क्या काम हुआ आप बोलो, यहाँ जो भी काम हुआ है ना, कहाँ इनके पैसे क्या है, 400-500-5000 करोड़ के बदले में 500-700 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। 4000 करोड़ के बदले में 500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो विकास की गाथा गढ़ रहेंगे। नया कॉन्सेप्ट आ गया विकास का साहब, तो जो 4000 करोड़ रुपए के बदले में भैया पुरस्कार क्यों मिल रहा है, क्यों सराहा जा रहा है राजधानी को, क्यों प्रदेश के निकायों को पुरस्कार मिल रहा है? इसलिए जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया था, अच्छा आपने 18 दिन काम किया आपको अवार्ड मिल गया, वाह। अरे सर वो एक कहावत है इन्हीं के नेता कहते हैं कि क्या मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे। आप सोचिए 2018 दिसंबर में जो अवार्ड मिला इस बात का अवार्ड था भैया, आपने क्या काम कर दिया था 18 दिन 20 दिन? यानी मौजूदा सरकार को जो भी अवार्ड और पुरस्कार मिल रहे हैं वो पिछली सरकार ने काम किया है, मुझे ये समझ में जो आ रही है। और उसके बाद लगातार आपको अवार्ड मिल रहा है। मैंने कहा ना, मुझे जो बात समझ में आ रही है सब हमने ही किया,
यानी पिछली सरकार ने जो किया उसके अवार्ड अब मिल रहे हैं मौजूदा सरकार को। देखिए इस बिल्कुल नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा जुमला है, झूठ है, जनता समझ रही है। रेत यहाँ पर, रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, अवैध प्लाटिंग का ठेका मंत्रियों तक ने ले रखा है, अवैध प्लाटिंग का माफिया है इनके यहाँ। सर उजागर कीजिए, फिर लेकर आइए ये सामने, उजागर कीजिए अगर ऐसा है, हकीकत है तो आप सामने लेकर आइए, प्राइवेट सिक्योरिटी मजबूती के साथ आइए। आप सरकार में रहे, आप विपक्ष में है, आप बातें कर रहे हैं बिना सिर पैर की बातें हैं। अरे बिना सिर पैर की बात है, सिर्फ टीवी चैनल में बैठकर। चलिए सर, ये भ्रष्टाचार का मसला रहेगा, निकाय चुनाव में भ्रष्टाचार का मसला रहेगा, ये रटा रटाया वहां से लिखकर ये मानकर चल सकते हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। कोई बात नहीं है, प्रदेश हो चाहे राजधानी हो, सारे निकाय विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ का, अन्न जल सड़क इन सबका तो मसला रहेगा ही रहेगा। सर समय की थोड़ी सी कमी है और हल्की फुल्की ये डिबेट हो गई, हालांकि चर्चा चाह रहे थे कि थोड़ी गंभीर हो यहाँ पर और दर्शक भी इस बात को समझे, निकाय चुनाव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन केंद्रित नेतृत्व की बात करके हम निकाय चुनाव में जा रहे हैं तो ये भी एक स्थिति जो है ये दूसरी स्थिति बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज आपकी बात में सिर्फ इतना ही, क्योंकि निकाय चुनाव है, घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी कर दिया, बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार है कि वो क्या वादे लेकर आते हैं, जनता के बीच में क्या वादे लेकर जाते हैं। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।